वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से हम घर पे फ्रेश मशरूम को अच्छी तरह से धो सकते हैं, जैसे कि मशरूम में कोई भी गंदगी न रहे। जनरली क्या होता है कि फ्रेश मशरूम हम लाते हैं तो उसमें मिट्टी धूल काफ़ी लगे रहते हैं, जिससे पानी से साफ़ करने से भी वो अच्छी तरह से साफ़ नहीं होता है। मशरूम को साफ़ करने के लिए सबसे पहले हम मशरूम को किसी बड़े प्लेट में लेंगे और मशरूम के ऊपर 2 से 3 चम्मच आटे को अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे ताकि सारे मशरूम अच्छी तरह से कोट हो जाए। अब हम एक एक मशरूम को अपने हाथों से आटे से रगड़ रगड़ कर साफ़ करेंगे ताकि आटा उस पर मशरूम पर लगा हुआ आटा साफ हो जाए। मशरूम पर से आटे को साफ़ करने से क्या होगा कि आटे के साथ मशरूम पर सटे हुए धूल गंदगी और मिट्टी साफ हो जाएंगे। इस तरह से हम एक एक मशरूम को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि मशरूम पर चिपका हुआ गंदगी अच्छी तरह से निकल जाए। अब हम सारे मशरूम को एक एक करके साफ़ करके किसी दूसरे प्लेट में रख लेंगे और आटा फेंक देंगे। अब हम एक बड़े बर्तन में पानी लेंगे और पानी में सारे मशरूम को डाल देंगे। अब हम पानी से भी मशरूम को एक एक मशरूम को अच्छी तरह से अपने हाथों से रब करके साफ़ करेंगे ताकि जो आटा सूखा हुआ मशरूम पर चिपक गया है वो साफ़ हो जाए और उसे साफ़ करने में उस पर लगे हुए धूल गंदगी भी साफ़ हो जाए। तो इस तरह से हम एक एक करके सारे मशरूम को साफ़ कर लेंगे। मशरूम को साफ़ करने से पहले ध्यान रखना है कि जब आप मशरूम फ्रेश खरीद के लाएँ तभी साफ़ करें। मैं यहाँ कुछ काम में बिज़ी होने के कारण मशरूम फ्रेश में साफ़ नहीं कर पाई थी, लगभग 2 दिन हो गया है, इसलिए मेरे मशरूम थोड़े से डार्क दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें मशरूम को साफ़ कर लेना है। सारे मशरूम को साफ़ करने के बाद हम भगोने का पानी फेंक देंगे और इसमें फिर से फ्रेश पानी लेंगे और फिर से हम 2 बार मशरूम को साफ़ कर लेंगे। 2 बार मशरूम को साफ़ करने के बाद हम इसे, अगर आपको अभी सब्ज़ी बनानी हो तो आप बना सकते हैं, अगर आपको सब्ज़ी नहीं बनानी हो तो मशरूम को आप किसी स्ट्रेनर में रख दें ताकि मशरूम में मौजूद सारे पानी निकल जाए। उसके बाद आप किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसे फ्रिज में रख दें। इससे क्या होगा कि मशरूम साफ़ भी हो जाएगा और उसके ऊपर कोई दाग नहीं आएगा। तो इस तरह से आप भी मशरूम को धोकर सब्ज़ी बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लगा। इस तरह से मशरूम को साफ़ करने से मशरूम काफ़ी जल्दी साफ़ हो जाते हैं, तो आप भी इस तरह से मशरूम साफ़ करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपके मशरूम साफ़ हुए हैं।